लाल चंदन, जिसे लाल सोना या लाल रक्त भी कहा जाता है, इतना खास है कि लाल चंदन के पेड़ को बचाने के लिए सरकार ने सिक्योरिटी भी दी है। आखिर लाल चंदन क्यों है इतना खास, इसकी मार्केट में इतनी डिमांड क्यों है? चलिए पहले कुछ नज़र डालते हैं इसके फायदे पर। स्किन ट्रीटमेंट के लिए और सुंदरता बढ़ाने के लिए चंदन काम आता है। स्किन में सूजन हो, खुजली, जलन जैसी परेशानियों में भी मददगार है। महंगे फर्नीचर और महंगे कॉस्मेटिक से लेकर महंगी शराब में भी इसके नेचुरल कलर का इस्तेमाल होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि चंदन के एक टन की कीमत 2 करोड़ से 5 करोड़ तक पहुंच जाती है। एक टन मतलब 1000 किलो, और 1 kg चंदन की लकड़ी की कीमत 20 से 30 हज़ार हो सकती है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी लकड़ी की स्मगलिंग होती है तो वो है लाल चंदन की लकड़ी। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लाल चंदन का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा चीन में। लेकिन लाल चंदन को पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसकी सुरक्षा स्पेशल टास्क फोर्स करती है। आंध्र प्रदेश के शेषाचलम पहाड़ियों के जंगल में पाए जाने वाले लाल चंदन के इस पेड़ की ऊंचाई 8 से 11 मीटर तक हो सकती है। चंदन के एक पौधे को पेड़ बनने में तकरीबन 15 साल का समय लग जाता है। धीरे धीरे बढ़ने की वजह से इसकी लकड़ियों का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए पानी में चंदन की लकड़ी जल्दी डूब जाती है। यही पहचान है असली चंदन की लकड़ी की। जापान और चाइना में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। चाइना में तो इसे दवाएँ भी बनती हैं। सर दर्द से लेकर आँख और बाकी बीमारियों के लिए भी चंदन का इस्तेमाल होता है। चाइना में इसकी डिमांड की यही एक वजह नहीं है, और एक वजह है, करीब 700 साल पहले मिंग वंश के शासकों को लाल चंदन की लकड़ी काफ़ी पसंद थी। लाल चंदन की लकड़ी से बने सामान रखवाते थे। चाइना में तो रेड सैंडलवुड नाम का विशेष संग्रहालय है, वहाँ लाल चंदन से बने सामान दिख जाते हैं। आज भी चाइना में लोग लाल चंदन से बने फर्नीचर रखवाते हैं, लेकिन अब जापान में इसका डिमांड कम हो रहा है, लेकिन चाइना में डिमांड जस का तस बना हुआ है। लाल चंदन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, इसे देश की सिक्योरिटी अच्छे से निभा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि और ऐसी अद्भुत इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप देख सकें।